हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आप सभी थंबनेल को देखकर ही समझ चुके हैं, आज की वीडियो आपके लिए ई ऑक्शन से जुड़ी हुई रहने वाली है। आप सभी को पता है DDPDX के लिए जो MPG2 वर्क्स है उसके लिए 79 ई ऑक्शन रखी गई थी, लेकिन वो आपको 16 तारीख को देखने को मिलने वाली थी। लेकिन इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे बीच निकल के आई है, वो कैसी इंफॉर्मेशन है आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के जरिए सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। तो बात करें, आपको 79 ई ऑक्शन है वो आपको 16 को की जाने वाली थी, लेकिन 16 जुलाई को वो ई ऑक्शन नहीं की गई है। अब आपको वो ई ऑक्शन की डेट आपको 24 जुलाई रखी गई है, जिसके दिन आपको MPG2 बॉक्स और MPG4 बॉक्स दोनों बॉक्सों के लिए वो ई ऑक्शन रहेगी। अब देखना होगा ये ई ऑक्शन सक्सेसफुल होती है या नहीं। जैसे कि आपको पता होगा सूत्रों की माने तो 16 तारीख की जो ई ऑक्शन रखी गई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही है, इस वजह से वो आपको 24 तारीख को की जाने वाली है। अगर वो सक्सेसफुल रहती है तो आपको कुछ नए चैनल आपको देखने को मिलने वाले हैं, अगर नहीं रहती है तो आपको पहले जैसा जो खाली टेस्ट स्लॉट पड़ा होगा वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा, अगर आपके ख्याल से ई ऑक्शन को इसको सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ई ऑक्शन जैसे कि प्रसार भारती को काफ़ी ज़्यादा जो ई ऑक्शन होती है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, इस वजह से अगर ई ऑक्शन नहीं होती है तो ऐसे में प्रसार भारती को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों 24 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि ई ऑक्शन का क्या होगा। आप सभी इस ई ऑक्शन का कितना ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, कौन सा चैनल देखना पसंद करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।